अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है, अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है। ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है, ये सप्तपुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राम का जो किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यही ध्येय वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुंदरीकरण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का। अयोध्या विजन के अंतर्गत 37 विभागों की 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 178 परियोजनाओं का लक्ष्य एक ही है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो। 821 एकड़ में बने और 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज के साथ तैयार हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार किए गए श्रीराम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर की झलक के साथ श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और 4 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ तैयार है। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और कुंडों का सुंदरीकरण इन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे हैं। नगर का संपूर्ण विकास हो और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेय जल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्तिधाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है।